इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि इस द्विघात समीकरण के मूल x² + ax + b बराबर 0 के tan 30 और tan 15 है, तो आपको a माइनस बी का मान बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन और इसके साथ बहुत सारी चीजें होती रहेंगी डिस्कस। तो जल्दी जल्दी सारे सारे बच्चे सॉल्यूशन भी चलते रहेंगे साथ के साथ। देखो जरा कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, tan a प्लस tan b। सर हमें पता है क्या होता है, tan a प्लस b इंटू 1 माइनस tan a tan b। जो बच्चा बोल रहा है सर मैं बना दूंगा इसको, बेटे बनाते रहो फिर, आप पेपर में टाइम पास भी तो बहुत करना है। अबे गधे बहुत पिटोगे, बनाने का टाइम थोड़ी ना है। देखो सर अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये इसका अल्फा है ये इसका बीटा है। यस सर जी, अल्फा बीटा दे रखे हैं और बोल रहा है आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 10 30, बीटा इज 15। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है सर, माइनस बी बाय, यानी माइनस ए, माइनस ए में माइनस इसको दे दिया। अल्फा इंटू बीटा 10 30 इंटू 10 15 सर सी बाय ए, व्हाट इज सी, बी, ए कितना है 1, तो ये आ गया। अब आपसे ए माइनस बी पूछा जा रहा है, ए माइनस बी व्हाट इज ए, ये रहा माइनस का 10 30 प्लस 10 15, माइनस का बी, बी ये रहा 10 30 10 15। अब खत्म करो क्वेश्चन को, 10 30 प्लस 10 15 का फॉर्मूला ये रहा, 10 30 प्लस 15 क्या आ गया मेरे भाई, 10 45 इंटू 1 माइनस 10 30 10 15 माइनस 10 30 10 15। ये वाला माइनस अंदर आ गया, 10 45 1 हो गया, ये वाला माइनस अंदर आ गया, इसको क्या कर दिया माइनस का, इसको क्या कर दिया प्लस का, 10 30 15 से 10 30 15 कैंसल, क्या बच गया माइनस 1। लाइक करो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, इसको तो एक लाइन में कौन बच्चा कर देगा, एक लाइन में, एक लाइन में। इसको तो एक बच्चे ने फेसबुक पे भी पोस्ट कर दिया था नीरज सर की ट्रिक से, 1 सेकंड में, वैसे बहुत टाइम में, एक लाइन में आंसर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोल ऑन योर स्क्रीन, पोल ऑन योर स्क्रीन। योगेश ने सबसे तेज आंसर दिया इसका, बहुत बढ़िया योगेश। लेकिन केवल 21% बच्चे सही आंसर दे पाए। भैया ऐसा क्यों हुआ सिर्फ 22% बच्चे, ये तो आपके एनडीए के पेपरों का, एयरफोर्स के पेपरों के क्वेश्चन है। सही आंसर देने वाली श्रेणी में जो भारतीय आए, योगेश, ओम राइडर, अनुज कपिल, रविंद्र दा कोच भक्त, जयंत, सौरभ पांडे, गीतम तोमर, गोकुल पाठक, चौधरी, सचिन दा कोचियन, केशव सावन, विक्की, गौरव चौधरी, अमन द्विवेदी, सिद्धार्थ, अमित पटेल, अमित शर्मा, मनदीप रावल, सुमित केसरी। अच्छा मनदीप रावल ने तो आज डेडिकेशन भी दिए, थैंक यू मनदीप, मैंने देखी आपकी डेडिकेशन आज, मेरे को नोटिफिकेशन आया था। देखो इधर सुनो सारे बच्चे, आज के बाद कभी भी ये स्ट्रक्चर हो दो 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 करके कॉस में, सुन लो क्या करोगे, ये आखिरी वाला लिखो, यस सर जी लिख लिया, दो लिखो कॉस लिखो और क्या है 4π/3 लिख लो, फिर रूटों की संख्या गिनो, रूट कितने हैं, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, कितने रूट है सर, 3, जितने रूट है नीचे 2 की पावर पे लिख दो, सारे के सारों को याद हो गया, पहले ये आखिरी वाला लिखो, लिख लिया सर, जितने रूट है कितने है 3, उनको 2 की पावर पे लिख दो, 2 की पावर 3 कितना हो गया जी 8, 4 से 8 कट गया जी 2, π/3 की 2 से करी जी π/6, cos π/6 जी √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर बोलो √3। लाइक करो सारे के सारे, एक लाइन वाले। नेक्स्ट 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 जल्दी जल्दी जल्दी, के पूछ रहा है साइन 18 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री। लाइक करो जिसको वैल्यू याद है अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की, अनअकैडमी प्लस पे नहीं पढ़ाया अभी तक, ना एयरफोर्स में ना एनडीए में, लेकिन यूट्यूब पे तो पूरा पूरा पढ़ा दिया, एयरफोर्स के बैच में पिछले प्लेटफॉर्म पे पूरा पढ़ा दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ा दिया। साइन 18 प्लस कॉस 36 डिग्री के गुणा बराबर 5, के का मान जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी करेक्शन है इसके अंदर, ये है 2√5, इट्स 2 × √5, बाकी 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 सही है। जल्दी बताओ भैया, 1 2 3 4 5, ठीक है पोल आप लोगों की स्क्रीन पर, क्योंकि जिसको वैल्यू याद है उसके लिए कहीं का भी क्वेश्चन नहीं है। 62% भारतीय झेल गए और बाकी 38% भारतीय इससे पेल गए, मतलब इससे पिल गए। देखो इधर साइन 18 डिग्री √5 − 1/4, कॉस 36 डिग्री √5 + 1/4, ठीक है सर, 1 से 1 क्या हो गया कैंसल, √5 √5, 2 √5, 2 से 4 क्या हो गया कैंसल, ऊपर आ गया √5/2 आ गया ये, लेकिन किसके बराबर दे रखा था, किसके बराबर दे रखा था 5 के बराबर, कर लो √5 से इसको काट दो, √5
ये दो यहाँ चला गया, के की वैल्यू 2√5। लाइक करो सारे के सारे। अबे वैल्यू रखनी है, साइन 18 √5 माइनस 1/4, कॉस 36 √5 प्लस 1/4। जल्दी, अगर ए और बी दोनों 0 से 90 डिग्री के बीच में है, टेन ए 7/8 है और टेन बी 1/15 है, तो ए प्लस बी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आप तक एग्जाम में एनडीए के में भी ऐसे आ रखा है कि टेन ए 1/2 है, टेन बी 1/3 है। इसका तो आंसर पूरी दुनिया को याद हो गया, ए प्लस बी का 45 डिग्री। लेकिन 1/2 की जगह 7/8 लिखा है, 1/3 की जगह 1/15 लिखा है। जल्दी बताओ ए प्लस बी कितना होगा? 60 होगा, 45 होगा, 30 होगा, 90 होगा, वह होगा कितना? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। कैलकुलेशन भी तो फास्ट करोगे, 20 मिनट में पेपर भी तो करना, एनडीए में भी तो 100+ अटेम्प्ट करके आने। नेवी का तो अच्छा पेपर आएगा, नेवी का एक अच्छा टीचर बता दो इस प्लेटफॉर्म पर, अगर ढंग के क्वेश्चन कराता हो। कोई भी नहीं है फर्जी एकदम। चलो पोल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। बस एक एयरफोर्स है उसी के पीछे लगे हुए हैं, वही चुल्ली भर के क्वेश्चन बार बार कराते रहते हैं इधर से उधर। देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीय इस क्वेश्चन को झेल गए और कितनों को ये फेल गया। 74% भारतीय, यानी इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है ना। टेन ए दे रखा है, टेन बी दे रखा है, टेन ए प्लस बी लगा दो। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। यस सर जी, जब आप इनकी वैल्यू रखोगे काट पीट के 1 आ जाएगा। टेन में 1 कितने पर सर जी? 45 डिग्री पे। ए प्लस बी आ गया 45, तो यहां से भी 45 आ रहा है, इससे भी 45 आ रहा है। बहुत बढ़िया चीज, सभी के सभी याद रखेंगे। 73% आंसर सही सही सही। भैया 23:50 हो गए, जल्दी से जल्दी। 125 tan square theta 5 cot square theta का न्यूनतम मान, जल्दी बताओ। a tan square theta plus b cot square theta की मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा? a tan square theta plus b cot square theta का मिनिमम मान, लाइक करो वो बच्चे जिनका हो चुका है पेपर, जिनका ही क्वेश्चन हो गया। अबे कितना कितना पढ़ाया है, हैं? पोल आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर। बेटे जिस दिन पेपर होगा उस दिन सिर्फ दाकोच दाकोची होगी, पूरे इंडिया में लिखवा के ले लो, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इतने मॉक करा दिए, इतने मॉक करा दिए, किसी के बाप ने नहीं कराए होंगे अब तक। अबे a tan square theta plus b cot square theta कभी भी दे रखा हो तो मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab। व्हाट इज a? 125। व्हाट इज b? 5। 125 की 5 से करी 625 का अंडर रूट 25, 25 दूनी 50, भागो। 2√ab नहीं पढ़ाया? लाइक करो, टाइप 4 ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, लाइक करो सारे के सारे। टाइप 4 ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ओम राइडर, योगेश, सौरभ, गोकुल, जयंत, गौरव चौधरी, रविंद्र दा कोच, हर्ष चौधरी, चौधरी समयवीर में भी, और अनुराग यादव, चौधरी शुभम, जो भी है, चौधरी खाली दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था। टाइप 3 वाले लाइक करो, टाइप 3 वाले याद करो मैक्सिमा मिनिमा। a बराबर cos की पावर 4 थीटा प्लस sin का स्क्वायर थीटा, याद करो जो पढ़ाया था कि कभी भी sin और cos की इवन पावर आए मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। सिर्फ गिनती गाऊंगा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तक भी नहीं गा रहा, 9 पे खत्म कर दी। अब बोलो क्या उखाड़ोगे, जल्दी बताओ आंसर। सही आंसर देने वाले भारतीयों का प्रतिशत 70%। दिल जीत लिया, जिगर जीत लिया, लीवर जीत लिया, किडनी जीत ली, बाकी की चीजें रहने दो, बहुत जरूरी है पाचन तंत्र को। हो गया भैया, अबे इतना पिटोगे। टाइप 3 सुन लो, अगर कभी भी साइन और कॉस की इवन पावर है, कभी भी इवन पावर है, चाहे 2-2 हो, 4-4 हो, 6-6 हो, 4-2 हो, 2-6 हो, इवन होनी चाहिए, समघात है। यस सर जी, तो कभी भी समघात है तो, अबे हट जाए, क्या हो गया, समघात है तो मैक्सिमम 1 होता है, तो मैक्सिमम तो हो गया 1, 1 वाले ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, मैक्सिमम 1 फिक्स होता है अगर कभी भी साइन और कॉस की इवन पावर है, ऐसे लिखा हुआ है। मिनिमम के लिए थीटा को 45 डिग्री लगते हैं, लाइक करो जिसको याद रहा था ये चीज। थीटा को 45 रखा, कॉस 45 1/√2, 2 बार पावर करी 1/4, कॉस 45 साइन 45 1/√2 स्क्वायर करा 1/2, 3/4 आ गया। मिनिमम 3/4, मैक्सिमम 1, लाइक करो सारे सारे। टाइप 3, कभी भी साइन और कॉस की इवन पावर हो थीटा 45 रख के मिनिमम मिलता है और एक इसका मैक्सिमम है। आगे चलते हैं,
बहुत स्पीड में आंसर चाहिए, यूनिक फॉर्मेशन वाले लाइक करो, यूनिक फॉर्मेशन वाले, यूनिक फॉर्मेशन वाले लाइक करो। कॉस प्लस सेक दो है तो कॉस की 2012 और सेकंड की 2012 कितनी होगी, जल्दी बताओ। सर इतनी जल्दी पोल मत दिया करो, अबे तुम्हें पता है कितनी जल्दी का क्या क्वेश्चन है, कहीं का क्वेश्चन नहीं है। सही आंसर देने वाले भारतीय 66%, दिल खुश कर दिया। देखो सर वैसे तो बहुत सारी यूनिक फॉर्मेशन है, वैसे तो बहुत सारी यूनिक फॉर्मेशन है, वैसे तो बहुत सारी यूनिक फॉर्मेशन है। जयंत, गौरव चौधरी, गोकुल, हर्ष, कुंवर प्रताप, किशन सोनी, अनुज, अनुराग यादव, सौरभ पांडे, योगेश, इंडियन, सात सात वाले 9 लड़के हैं। देखो सर वैसे तो बहुत सारी यूनिक फॉर्मेशन है, आप याद रखो x प्लस 1 अपॉन x अगर 2 दे रखा है तो x इक्वल टू 1, क्यों बना के देख लो इक्वेशन क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x इक्वल टू 1 आ गया, इसमें x इक्वल टू माइनस 1 याद रखना। तो यार ये कॉस है और सीकेंट को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस अगर 2 के बराबर है, कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस अगर 2 के बराबर है तो कॉस की वैल्यू 1 हो गई, कॉस की वैल्यू 1 हो गई, 1 की पावर 2012 1 हो गई, सीकेंट की पावर 2012 यानी 1 अपॉन कॉस की पावर 2012 1 की पावर 2012 दोबारा से वही होगी, एक और एक दो आंसर। लाइक करो सारे के सारे। चलो भैया ये बताओ tan a माइनस tan b बराबर m, देयर इज अ मिसप्रिंटिंग, tan a माइनस tan b बराबर m और cot b माइनस cot a बराबर m, tan a माइनस b कितना होगा, nd एयरफोर्स दोनों में आ गया, ठीक है इसमें मिलेंगे 20 सेकंड, 20 सेकंड में कर लोगे, देखो ना कैसे कनेक्ट करोगे, 20 सेकंड में कर लोगे, देख लेंगे कैसे कनेक्ट करेंगे। तेईस चौवन लास्ट के 5 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी जल्दी, 23:54 हल्ला हो जाना चाहिए 12 बजे कमेंट सेक्शन में। बोल दे तू भैया, जितने भी नए बच्चे आए बेटे 7 क्वेश्चन निकल गए, 8वां चल रहा है और 12 बजे का इंतजार करो, एक नया मंजर देखना अपन एकेडमी पे 12 बजे क्या होने वाला है। चलो पोल दे रहा हूं भैया, देख रहे हैं कितने प्रतिशत भारतीय इसको झेल गए और कितनों को ये पेल गया, ये भी तो देखना है। सही आंसर देने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 45, अब शर्म करो शर्म करो, बहुत पिटोगे। कॉट बी को क्या लिख देंगे, 1/10b, कॉट ए को क्या लिख देंगे, 1/10a, क्रॉस मल्टीप्लाई 10a-10b अपॉन 10a-10b, एन को नीचे लेके आ जाओ, 10a-10b वहां चला गया, 10a-10b को क्या बोलता है वो m, तो 10a-10b को m बोलता है तो m अपॉन n आ गया, ये रहा भैया आप देखो जल्दी से, तो 10a × 10b आ गया m अपॉन n और 10a-10b m दे रखा, क्या पूछ रहा था, 10a-b, 10a-b का फॉर्मूला 10a-10b अपॉन 1+10a-10b, खत्म कर दो आप क्वेश्चन को, कहीं का भी नहीं बचा। 10a-10b कितना दे रखा था जी, m दे रखा था, और 10a+10b, 10a × 10b अभी हम लोगों ने कितना निकाल लिया, m/n, n इधर आया LCM में, n ऊपर चला गया, ये रहा mn/m+n, 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 आगे चलते टाइम नहीं है, ये भी मिसप्रिंटिंग है, इसको सही कर लो। क्या है भाई ये, इफ यदि 10x 10 10 डिग्री बराबर x, यदि 10 10 का डिग्री बराबर x के बराबर है तो 10 70 का मान पूछ रहा है, 10 सेकंड मिलेंगे बस, जिस बच्चे को क्लिक करना है क्लिक करे दिमाग में ऑन द स्पॉट, लास्ट के 4 सेकंड हो गए, कम से कम हमारे 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए 12 बजे, ये हमारा 9वां चल रहा है, 12 से पहले 10 क्वेश्चन टारगेट है हमारा, 9वां चल रहा है। x बराबर 10 10 डिग्री, x बराबर 10 10 डिग्री तो 10 70 का मान, पोल आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, क्योंकि जिसको समझ में आ गया होगा उसने तो ऐसा शिकंजा बना लिया होगा इस पे, बाकी के लोगों को ये क्वेश्चन पेल गया होगा। सही आंसर देने वाले 39%, देखो नहीं झेल पाए ना बेटे, ऐसे ही होता है पेपरों के अंदर छोटी छोटी गलतियों में, गड़बड़ करती इस बार, इतना बढ़िया स्कोर चल रहा था 50 50 60 60% और तुरंत आते ही गड़बड़ कर दी।
और अभी जब समझाऊंगा शर्म आ जाएगी कि अरे यार क्या चक्कर है, ऐसे करना था। बेटे फिजिक्स और मैथ का जिंदगी भर एक ही नियम रहेगा, जो दे रखा है और जो पूछा है उसको रिलेट करो। उसको कैसे भी रिलेट करना सीख गए तो आपके लिए मैथ और फिजिक्स बहुत आसान है। नहीं रिलेट कर पाओगे, असंभव असंभव असंभव, कभी भी पूर्ण नंबर लेके आना। देखो इधर सुनो ध्यान से, अबे 10 10 डिग्री एक्स दे रखा है, 10 70 पूछ रहा है। अब 70 के 10 से तो कोई रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं, पर मुझे लाइक करके बताना क्या 10 70 को सारे बच्चे cot 20 लिख सकते हैं। सुपर लाइक चाहिए मुझे। क्या 10 10 10 को 10 70 को cot 20 लिख सकते हैं? यस सर। टेन थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, 90 में 70 का cot 20 आ गया। क्या cot 20 को सभी बच्चे 1/10 20 भी लिख सकते हैं? ठीक है, तो याद करो नीरज सर ने क्या पढ़ाया था, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो 10 a * 10 b1। जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 है तो 10 a * 10 b1। बात हुई थी तो मेरे भाई सभी देखो ना, 10 70 के साथ कौन 90 देगा? 10 20। तो आप 10 70 को डायरेक्ट भी क्या लिख सकते थे? 1/10 20। लाइक करो, जिसको अपने कंसेप्ट आज पहली बार लग रहा है यार अप्लाई हो रहे हैं, मैंने जो चीजें सीखी हैं वो मैं आज देख पा रहा हूं मेरी सामने होते हुए। अरे 12 बजने वाले हैं, जल्दी 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 उड़ा देते हैं इसको। देखो 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 देखो, तो 10 a * 10 b कितना आ गया? यहां से हमने निकाल दिया 10 70 को हम लोग लॉन्ग मेथड से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 10 70 को डायरेक्ट 1/10 b लिख देंगे। लाइक करो जिसके समझ में आ गई डायरेक्ट, ठीक है। और सर 12 बजने वाले हैं, जल्दी कर दो। 10 20 का आंसर होता है 2 tan 10 degree upon 1 minus tan square 10 degree। लाइक करो tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अबे 20 को 2 × 10 लिख लो ना। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। tan 10 कितना दे रखा है? x, तो ये रहा 1 minus x square, ऊपर चला गया, नीचे 2x। चलो भैया और 12 बजने में काउंटडाउन शुरू। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 6 7 8 9। इसके आगे की गिनती नहीं आती भैया, ठीक है? आगे की गिनती आप देखो और मैं चला ये कमेंट सेक्शन ऑन करने। चलो भैया जय कारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव, जय श्री राम। आ जाओ सारे के सारे, एक बार फिर ग्रुप में शेयर करो इस क्लास को, सभी के सभी लड़कों को इधर एक बार जयकारा लगाने बुलवाना है, जल्दी बुलाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छी बात। 5 अगस्त को ये सौभाग्य मुझे आप लोगों के साथ मिला शेयर करने का, तहे दिल से शुक्रिया। क्वेश्चन 9 पाए कोई बात नहीं। जय श्री राम, बहुत बढ़िया भैया, ठीक। अरे दिल खुश कर दिया, मजा आ गया बिड़ू। एक ही नारा है, एक ही नारा है। चलो भाई बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। चलें एक मिनट और, 12-2 तक करते हैं इस चीज को। लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, ठीक है भाई। दिल की बातें, दिल की बातें दिल में रह गई तो दिल किस काम का। इन बातों पे जिसका हक था उस तक इसको जाना था। ठीक है, व्हाट्सएप पे दोबारा कर देना, 12:30 में क्लास खत्म करूंगा। जो बैच वगैरह बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे बैच, तो आप मेरे को एक बार दोबारा 12:30 व्हाट्सएप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलो भैया बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। टेस्ट की वापसी करते हुए चलते हैं अभी हम लोग, एक मिनट और। काफी अच्छी घड़ी आई है, बड़े दिनों बाद। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। आंख मूंद कर देख रहा है, 7 समय के खेल रहा है। वही शून्य, वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। चलो भैया 12:02 हो गए, कमेंट दोबारा ऑफ। आप लोगों के साथ ये पल बिताए गए कभी नहीं भूले जाएंगे, बहुत सारी मेमोरी हमारी बन गई है, वो 12 घंटे की क्लास और आज की भी ये भी क्लास, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, इसी तरीके से जुड़े रहें, अपना प्यार बनाते रहें। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लें इसी तरीके से। क्या करेक्शन करवा रहे हो सर? अबे करेक्शन करवा रहा हूं, यहां देखो 10 pi/4 + ½ sin inverse a / - 10
पाई बाय फोर माइनस हाफ साइन इनवर्स ए बाय बी। बोल दे रखा है आप लोगों को, अभी आएगा 10 सेकंड में, सभी बच्चे आंसर करना जल्दी से जल्दी। मैं तो यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ जो आप लोगों को एग्जाम में पता होनी चाहिए और स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, और गारंटीड बोल रहा हूं अगर ये पेपर में नहीं आई तो बात करना मेरे से, 100% सच बात है। लास्ट 10 सेकंड है, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। लास्ट 10 सेकंड है, ट्राई कर लो, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। जिन बच्चों को इनको देख के कुछ याद आ गया वो लाइक करो, जिन बच्चों को इन चारों को देख के कुछ याद आ गया वो लाइक करो सारे के सारे। पोल आ रहा है, पोल आ रहा है, पोल आ रहा है, पोल आ रहा है, पोल ऑन योर स्क्रीन आ गया भैया, पोलम पोल। केवल सही आंसर देने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 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 है 24%। जिसमें सबसे तेज आंसर दिया पुष्पेंद्र ने, योगेश ने, गोकुल ने, अमन द्विवेदी ने, उसके बाद और भी बच्चे हैं। भूल गए ना फॉर्मूले सारे, रखे रह जाएंगे तुम्हारे फॉर्मूले, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ये रहा भैया सक्रोर कार्ड, सक्रोर कार्ड, ये रहा सक्रोर कार्ड। चलो भाई देखो इधर, बहुत बढ़िया कुंवर प्रताप, शाबाश, और भी बहुत अच्छे मेरे भाई, याद रख लो, बहुत कूटूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आज की बात मैं भूल जाऊं चलेगा, तुम भूलोगे तो बहुत पिटोगे। कॉट प्लस टेन कभी भी दे रखा हो, साइन कॉस में गधे बदलते हैं वहां पे, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। पेपर में साइन कॉस बदलने का टाइम भी है, एक एक सेकंड क्या है तुम्हें नहीं पता। कॉट माइनस टेन, कॉट माइनस टेन, टू कॉट टू थीटा, टेन पैंतालीस प्लस थीटा, टेन पैंतालीस माइनस थीटा, टू अपॉन कॉस टू थीटा, टेन पैंतालीस प्लस थीटा माइनस टेन पैंतालीस माइनस थीटा, टू टेन टू थीटा। लाइक करो सारे के सारे 10 के चार फॉर्मुलों के आंसर, बेटे बहुत पिटोगे अगर याद नहीं करोगे, पेपर में टाइम नहीं है हमारे पास, प्रूफ में कर दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है, तो वही पेपर में आया, आप इसको थीटा पढ़ लीजिए। तो 10 45 प्लस थीटा माइनस 10 45 माइनस थीटा, 10 45 प्लस थीटा माइनस 10 45 माइनस थीटा, क्या लिख दें सर जी, दो लिखो, 10 लिखो, दो लिखो और थीटा लिख दो, थीटा तो इसको मान रखा है, किसको, हाफ साइन इनवर्स ए बाय बी, खत्म कहानी। दो से दो क्या हो गया, कैंसल, यहाँ पे साइन इनवर्स आ गया लेकिन उसके सामने टेन है, साइन इनवर्स को कैंसिल करना है टेन से, तो साइन बना लेते हैं, साइन दे रखा है ए अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टेन चाहिए था यहाँ पे, टेन इनवर्स लिख दोगे, टेन से टेन कैंसिल, टेन आ जाएगा, टेन बोलो ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर बोलो क्या लिखा है, दो। लाइक करो सारे के सारे बच्चे, जिनका इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा बन के रह गया आज, तो इन चारों का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत पिटोगे अगर नहीं लिखोगे तो, ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ाएगा कहीं पेड बैच वगैरह में भी, ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में टाइम पास करके चले जाते हैं। और बच्चों ने बोला है कि सर जो बाकी एजुकेटर एनडीए की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं ना, आपकी एयरफोर्स वाली ट्रिग्नोमेट्री भारी है उनके ऊपर, सोचो एनडीए वाली ट्रिग्नोमेट्री किस लेवल की होगी। चले आगे की तरफ, जल्दी बताओ, प्रीवियस ईयर एयरफोर्स 11वां क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, 12:40 पे खत्म करना है कैसे भी करके इसको, क्योंकि आप लोगों को भी फिर रनिंग वगैरह पे जाना होगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी चलना है। 12:40 डेडलाइन है, 12:40 डेडलाइन है, 20 क्वेश्चन हो, 21 हो, 19 हो, 12:40 इज डेडलाइन, तो डेडलाइन। साइन इनवर्स वन, पोल आ रहा है भैया, पोल आ रहा है, सही आंसर देने वाले विद्यार्थी अगेन 52%। अरे भैया क्या दिक्कत हो गई, के दिक्कत हो गई काके, 43%, 52 से भी गिर गए, 43 गिर गए, अबे इतने मत गिरो, बहुत मारूंगा ज्यादा गिरोगे तो। सर आप एक काम करिए, इनको डायरेक्ट ही कर लीजिए भैया, वैल्यू रख के कर लो ना, देखो जीरो यहाँ भी दे रखा है, जीरो यहाँ भी दे रखा है, तो पहले जीरो रख के देख लेते हैं क्या जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, वन में से जीरो गए, वन साइन इनवर्स में वन पाई बाय टू पे, साइन जीरो जीरो, पाई बाय टू बराबर पाई बाय टू, यस सर, तो जीरो सही है। अब ए और ये बचे, दोनों तो गलत हो गए क्योंकि इनमें जीरो नहीं है,
एक बटा दो रख के देख लो, एक बटा दो रखा, एक में से एक बटा दो रखा, एक बटा दो साइन में 30 पर, एक बटा दो 30 दूनी 60, 30 में से 60 के माइनस का 30 आ गया तो 90 कह रहा है, गलत है भैया, एक बटा दो केवल 0 आंसर सही। लाइक करो सारे के सारे अगर ऐसे कर लेते हो तो। जरूरी नहीं है हर बार चीजों को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक बनाना, ये करना वो करना। जल्दी बताओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो, जल्दी। सिर्फ 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 20 सेकंड मिलेंगे भाई, ट्रायंगल ही तो बनाए जाने, बस ट्रायंगल ही बनाते जाने। लास्ट दस सेकेंड, पोल ऑन योर स्क्रीन। जिससे नहीं हुआ तो भैया बहुत डील है, और ट्रायंगल बनाना नहीं आता आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं आती, ट्रिपलेट्स बनाने नहीं आते, कितनी देर में करोगे भाई? अगर कोई नया बच्चा है तो ठीक है भैया, टेस्ट दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, दिया करो। गलत दे रहे हो, चाहे आपका 20 में से 2 ही सही निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं, 5 निकल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो पहुंच जा रहे हैं आपके दिमाग में, वो बहुत सुपर पहुंच जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है टेस्ट देना। तो इट डजंट मैटर कि ये आपकी फर्स्ट क्लास है, लास्ट क्लास है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पेपर अगली बार देना है, इस बार देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट ऑलवेज इंपोर्टेंट। ये रहा भैया स्कोर। जयंत, हर्ष, कुंवर प्रताप, गोकुल, गौरव चौधरी, गगन प्रताप, अनुज, सौरभ पांडे, अजमेरा जी, रविंद्र दा कोच। अरे क्या बात है, लड़के सारे जाग रहे हैं अपने। साहिल है नहीं है? साहिल लाइक करो अगर हो तो। हाँ साहिल है, साहिल को यहाँ पे कैसे नहीं दिख रहे भैया? और सिद्धार्थ कहाँ गया भाई? सिद्धार्थ चलो देखो इधर, सचिन, सचिन भी नहीं दिख रहा, चौधरी, सचिन का कुछ नहीं है लिस्ट में, तुषार त्यागी वो तो देने ही नहीं आता टेस्ट, बताऊंगा उसको कल क्लास में अकेडमी प्लस पे। देखो इधर, अबे टेन इनवर्स दे रखा है कॉस में पहले, तो पहले टेन का एक्स बना लो, टेन का एक्स ही तो बनेगा, एक्स का मतलब नीचे बेस वन है, पाइथागोरस लगा दो, 1 + x² ठीक है, टेन की जगह कॉस लिखना है, कॉस निकल के आएगा 1/√1 + x², तो ये दोनों काट दो, इसकी जगह लिख दो cos 1/√1 + x² कट जाएगा। अब ये किसी का cot है, cot बना लो, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब उसको साइन चाहिए, तो पाइथागोरस लगाओगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 + x² हो गए। अब इसका साइन चाहिए, साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा लंब बटे कर्ण, तो √1 + x² / 2 + x² हट गया, ये आ गया। लाइक करो जिसकी समझ में आ गया, दो ट्रायंगल में उड़ गया। अगले की तरफ चलते हैं, टेन इनवर्स 1/4, इसमें बहुत झोल है, पहले तो इसमें एक एडिटिंग कर लो, इसमें एक एडिटिंग कर लो, ये सारे 3/5 है, इसमें भी झोल है, देखते हैं कौन बच्चा आंसर देगा। टेन इनवर्स 1/4 + 10 इनवर्स 2/9, ईमानदारी से आंसर देना और दिल पे हाथ रख के आंसर देना, और सही आंसर आना चाहिए, गलत आ रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, सही आंसर देना, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाया आप लोगों के लिए। चलो भैया देखते हैं कौन बच्चा सच में इस क्वेश्चन को झेलने के लिए तैयार है और किसको ये पेलने के लिए तैयार है। ये वाला क्वेश्चन पोल आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा, यहां भी रुक के दूं, पोल रुक के दूं, अभी अगर रुक के देना है तो लाइक करो। चलो रुक के देते हैं, रुक गया, गिनती गा रहा हूं 30 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब मन में गा लेता हूं, तुम लोग परेशान हो जाओगे वरना। अर्ज किया है, एक शायरी सुनाई थी मैंने कल ग्रुप में, आपने भी सुनी होगी, अर्ज किया है, सुनी थी कौन सी थी? अर्ज किया है, खुली जुल्फे या चोटी, सवाल था कि खुली जुल्फे या चोटी, अर्ज किया के बाद है, सवाल था कि खुली जुल्फे या चोटी,
जवाब था कि गणित पसंद है हमें, उलझा रहने दो। जवाब था कि गणित पसंद है हमें, उलझा रहने दो। चलो भाई बहुत टाइम मिल गया, पोल आ रहा है, जल्दी बताओ। और जो बच्चे इसको झेल गए उनका प्रतिशत है सिर्फ 28, और जिनको ये फेल गया उसका प्रतिशत है बाकी के 72। देख रहे हो अच्छे क्वेश्चन की इंपोर्टेंस, अच्छे क्वेश्चन की लगन। और अभी मैं कराऊंगा ना, शर्म आ जाएगी। किस किस को शर्म आ रही है इसका गलत करने के बाद, कीजिए, हमसे तो गलत हो गया है। सही आंसर देने वाले विद्यार्थी एक जयंत ठाकुर है भैया, उसके बाद कुंवर प्रताप, अरे बहुत बढ़िया, गौरव चौधरी, अरे सुपर, कोचियंस कोचियंस, गगन प्रताप। अबे ये एनडीए की मैथ पढ़नी शुरू कर दी क्या? हर्ष चौधरी, अनुज कुमार, अजमेरा जी, गोकुल पाठक, अमन द्विवेदी, ओके अमन द्विवेदी, एनडीए प्लस के बहुत अच्छे बच्चे। सिद्धार्थ की एंट्री होती हुई, सिद्धार्थ दो गलत कर दिए बेटे, रुक जा अभी 12:30 के बाद देखता हूँ। देखो उधर, टेन इनवर्स 1/4, टेन इनवर्स 2/9 का फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, देखते रहे ना मजा आएगा, अपॉन 1 - xy। यस सर जी, कैलकुलेशन यार फास्ट रखा करो, 9 इधर 4 इधर, 9 इधर 4 उधर, 4 × 2 = 8 और 9 17, 9 × 4 = 36, 17/36। ठीक है सर जी, नीचे 9 × 4 = 36, 36 में से 2 गए, 34/36, 36 से 36 जिसका उड़ गया वो लाइक करो, 17/34 बोलो, टेन इनवर्स 1/2। तो भैया ये सॉल्व हो क्या है, टेन इनवर्स 1/2, ठीक है, ये सॉल्व हो क्या है, टेन इनवर्स 1/2। तो यार ये ऑप्शन गलत हुआ डी, क्योंकि टेन इनवर्स 8/9 तो नहीं आया, इन तीनों में से कोई आंसर है, इन तीनों में से कोई आंसर है। लाइक करो लाइक करो लाइक करो, यहां तक समझ में आया तो, ये तो गलत हो गया ना, टेन इनवर्स 8/9 थोड़ी ना है, टेन इनवर्स 1/2 आया, तो ये तो गलत हो गया, इन तीनों में से कोई आंसर है। सभी बच्चे मेरे को बताओ क्या इनका फॉर्मेट 1/2 1/2 सबके आगे लिखा हुआ है, अरे लाइक करो। और अगर नीरज सर ने आपको ये बात बोली है कि भैया ये चीज सीख लो, अगर ये चीज जिसने सीख ली उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 90% कंप्लीट, क्या इनवर्स सर 1:1 कुछ भी बन सकता है, आप साइन इनवर्स 3/5 की जगह कॉस इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे थीटा होते हैं और थीटा तो सेम ही रहेगा। अबे लाइक करो, ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, तो बस अब क्या दिक्कत है, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन से कभी भी सामना हो जाए, आपका खुद का दिमाग है, नीरज सर तो है ही आपके साथ, लेकिन आपका खुद का दिमाग भी जरूरी है। कैसे सर? आपका आंसर आया टेन इनवर्स 1/2, ठीक है सर, और ये बराबर इनमें से किसी के आएगा, सभी के आगे 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख लो पहले, जल्दी बोलो भैया, 1/2 सबके लिखा हुआ, 1/2। अब सवाल है सर, टेन लिखू, साइन लिखू, कॉस लिखू, क्या लिखू? अबे गधो, अब मैंने अभी क्या बोला, कुछ भी निकाल दो बाद में कन्वर्ट कर लेना। तो यार आपको टेन इनवर्स का फॉर्मूला टेन में पता है तो लो टेन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, मैंने ये ले दिया, जो एक्स की वैल्यू निकलेगी उससे कंपेयर कर लूंगा तीनों में बदल करके, भैया कॉस 3/5 बन रहा है, साइन 3/5 बन रहा है, या टेन 3/5 बन रहा है। लाइक करो सभी के सभी बच्चे, तो मैंने हाफ सबका कॉपी कर लिया। अब सब बच्चे बताओ क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराए, दो यहाँ आके यहाँ चला जाएगा, 2 tan inverse का फॉर्मूला टेन में बताना, 2 tan inverse का फॉर्मूला टेन में बताना। सर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² कितना आया भैया? टेन आया सर जी 4/3, टेन आया सर जी 4/3, एक्स कितना आ गया 4/3 आ गया। मेरे को सारे बच्चे बताओ, अगर टेन 4/3 आया तो सुनते रहना मेरी बात, ये पाइथागोरस से 5, लाइक करो। अब बताना, कह रहा है टेन 3/5 आएगा, नहीं भाई टेन 4/3 आया, ये तो गलत हो गया। कह रहा है साइन 3/5 आएगा, नहीं भैया साइन तो 4/5 आया, ये भी गलत हो गया। कह रहा है कॉस 3/5 आएगा, हाँ मेरे भाई कॉस तो 3/5 आया, बेस बटे हाइपोटेनियस, लाइक रुकने नहीं चाहिए। तो भाई तुम्हें सब पता है, तुम्हें बस उसका अधूरा ज्ञान है, उसको पता नहीं कहाँ यूज कर रखे हो, कैसे उसको आगे लेके नहीं जाते, मुझे समझ में नहीं आता। छोटी चीजों से ही बड़ी चीज कर सकते हो तो क्यों नहीं सीखते हो। चलो आगे की तरफ, इसमें एक करेक्शन कर लो, ये प्लस नहीं है माइनस है, और जिस जिसको ये देखकर एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन याद आ गया 12th क्लास का, वो लाइक करो।
एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन याद आ गया, वो लाइक करो। माइनस है, माइनस। पोल दे दूं या रुक क्यों? अबे जिसको तो याद है वो तो कर देगा। पोल के लिए रुक जाऊं? रुक गया। चलो भैया सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन उड़ाने? कौन सा मेरे भाई ये? आ, 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 ये है 14वां, तो कम से कम 20 या 22, 22 क्वेश्चन तो होने चाहिए हमारे। मैं तो चाह रहा हूँ 25 के 25 हो जाएं। पोल ऑन योर स्क्रीन। अनअकैडमी प्लस वाले बच्चे, एयरफोर्स वाले और एनडीए वाले, क्या दोनों लाइव हैं इस समय? अनअकैडमी प्लस के जो हमारे एक एयरफोर्स का बैच चलता है मॉर्निंग में, जिसको बच्चों ने परचेस कर लिया रेफरल को नीरज 25 से, और एक एनडीए का बैच 12 बजे चलता है, दोनों लाइव है। क्या मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे फॉर्मूले आज लिखवाए थे? एयरफोर्स वालों बोलो, एयरफोर्स वालों ये बोलो, एयरफोर्स में प्लस वालों, क्या आज कॉम्प्लेक्स नंबर में ये 10-12 फॉर्मूले लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे, फिर क्यों नहीं अप्लाई करते? देखो इधर, कई बच्चों को तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन याद होता है, सर इसकी वैल्यू होती है हाफ टेन इनवर्स एक्स। उनको याद ही होता है कि सर इसकी वैल्यू होती है हाफ टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी में इतना ज्यादा पढ़ लिया। तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, 6 हो गया, टेन इनवर्स हट के इधर 10 आ गया, तो 10 6/10 आ गया आंसर। ठीक है सर जी, कुछ बच्चे एक्स की वैल्यू 10 थीटा रख के करते हैं। एक्स की वैल्यू 10 थीटा रखी, 1 + tan² थीटा, सेकेंट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सॉल्व किया, सेक थीटा और नीचे 10 आ गया। sec को 1/cos लिखोगे तो 1 - cos/cos, और नीचे 10 है तो sin/cos, cos से cos कैंसिल, 1 - cos/sin, 1 - cos/sin, नीरज सर याद करवा के रखते हैं 10θ/2, बाकी के भी 8 है, ये एक लिखा हुआ बाकी के 7 बचे हुए, यानी 8 हो गए, उनको डायरेक्ट याद रख लेना। 10θ/2 आया, तो यहाँ पे 10θ/2, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आया θ/2, लेकिन x को क्या पुट किया था? 10θ, तो थीटा आ गया 10 inverse x/2, तो ये बच्चे डायरेक्ट भी याद रख लेते। खत्म, 10 inverse x/2 रखा, 3 × 2 = 6, 10 6/10। आगे की तरफ चलते, लाइक करो। sin 2 sin 3 sin 5 पॉजिटिव होगा, ये ए है, कैपिटल ए, ए पॉजिटिव होगा, ए जीरो होगा, ये नेगेटिव होगा, एक जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखते हैं कितना जोर बाजुए कातिल में है। पोल जिस बच्चे का हो गया लाइक करो, अबे इसमें टाइम ही नहीं लगना। अगेन बहुत बुरा रिस्पॉन्स, 38% विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है। अभी शर्म आए तो बताना, 1 रेडियन कितने के बराबर? 57 डिग्री। लाइक करो, 1 रेडियन कितने के बराबर सर जी? 57 डिग्री। अबे लाइक करो, 1 रेडियन कितने के बराबर सर जी? 57 डिग्री। साइन 2 57 × 114, साइन 3 57 कितना भी है, 60 90 171, 60 180, 9 कम हो गए ना, 3 3 9। ठीक है भैया, और 57 की 5 से करी, 5 3 15 और 6 5 30, 300 में से 15 कम करो, कितने आ गए? 285 ना। ठीक है भैया, ये आंसर आ गया, 114 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, 171 सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में, साइन पॉजिटिव, 285 180 से 270 के बीच में, सॉरी 285 270 से 360 के बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो ये दोनों तो पॉजिटिव आए क्योंकि 171 सेकंड में मिलेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, बताना पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, लाइक करो। चलो आगे की तरफ चलते हैं, इसमें करेक्शन कर लो, क्या करेक्शन है? यहां पे -π/2 है, तो ए और बी -π/2 से तो बड़े हैं लेकिन जीरो से छोटे हैं, ए और बी -π/2 से तो बड़े हैं लेकिन जीरो से छोटे हैं, ए और बी -π/2 से तो बड़े हैं लेकिन जीरो से छोटे हैं। cos a बटा 3 बराबर cos b बटे 4, 1/5 दे रखा है, तो वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, किसकी वैल्यू पूछ रहा है सर जी? 3 sin a + 6 sin b की।
सोलवा क्वेश्चन है, जल्दी करो। खाना वाना खा लिया तुम लोगों ने? लाइक करो खाना खा लिया तो, या खाओगे 12:30 के बाद? तो 12:30 के बाद खाएंगे वो, लाइक करो। मैं बहुत बच्चे हैं, चलो मेरे साथ खा लेना, मैं भी 12:30 के बाद ही खाऊंगा। जिसका होने वाला है लाइक करो भैया इस क्वेश्चन को, या हो गया है निपटा दिया। पोल आ रहा है, ए और बी माइनस पाई बाय टू से बड़े हैं लेकिन जीरो से छोटे, इसमें देखते हैं कितने बच्चे झेल गए। शाबाश 51%, चलो रिकवरी तो करी तुम लोगों ने, देर आए दुरुस्त आए, रिकवरी तो करी। ठीक है एक मिनट ये चार्जर लगा दूं मैं, फोन ये निपट रहा है, इधर उधर जा रहा है। अब दिख रहा है, अब विजिबल है। ये पिछले वाला क्वेश्चन सब रह गया क्या? ये समझ में आ गया? दोबारा सुन लो, माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में है तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ना माइनस पाई बाय टू क्लॉकवाइज माइनस 90 और ये रहा फोर्थ, फोर्थ में ए और बी दोनों, यानी ए और बी माइनस पाई बाय टू से रहा। कॉस दे दिया 3/5 तो साइन हो गया 4/5, कॉस भी दे दिया 4 चला गया 4/5 तो साइन 3/5, लेकिन फोर्थ में साइन क्या होगा? नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव लगा दो, साइन ए की जगह रख दो माइनस 4/5, 4 3 -12/5, साइन बी जगह माइनस 3/5, 6 3 18/5 माइनस के 12 18 30 30/5 माइनस 6। चलो आगे जल्दी बताओ कौन बच्चा बताएगा, आपका आपका प्रीवियस ईयर है, जल्दी लास्ट के 14 मिनट रह गए। कॉस की पावर 4π/24 माइनस साइन की पावर 4π/24, पोल आ गया स्क्रीन पर। तरेसठ परसेंट बच्चों ने सही आंसर दे दिया, चलो ठीक है बहुत सिंपल, अच्छा कर दिया आप लोगों ने, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है सही आंसर दे दिया। देखो इधर देखो, 4 पावर है, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर मतलब ये ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ए माइनस बी ले रहा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस 2 थीटा, दुगना कर दो, 2 से 24 कटा 12 आ गया, 12 होता है 15, कॉस 15 डिग्री का मान √3 + 1/2 √2। आगे चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो भैया, एनडीए वाले भी स्टार लगाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और एयरफोर्स नेवी वाले भी स्टार लगा लो जल्दी, समय दूंगा इसके अंदर पूरा पूरा 1 मिनट, 55:05 हो रहे ना, टफ नहीं है, बस तुम्हें सोचने के लिए समय दे रहा हूं। पोल आ रहा है भैया,
चलो 41%। सभी बच्चे सुनो, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला मैंने बोला आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर कभी भी सम 180 है तो उसका आंसर कितना होता है, जीरो। यहाँ तो कोई भी 180 नहीं बन रहा। फिर मैंने बोला था कभी भी कॉस के क्वेश्चन आएंगे 180 नहीं बनेगा, तो 120 कभी ना कभी जरूर दे रखा होगा। तो ऐसे दो एंगल ढूंढ लेते हैं जिनका सम या तो 120 बन रहा है, डिफरेंस 120 बन रहा है, बहुत जरूरी है उसका पता करना, है ना। 120 बनना चाहिए, या तो सम बनना चाहिए डिफरेंस। ये रहा भैया स्कोर, जयंत, कुंवर, हर्ष, गौरव, गगन, अनुज, सिद्धार्थ, अमन, अजमेरा जी, गोकुल पाठक। ये रहा भैया, देखो इधर, कॉस 12 डिग्री, कॉस 14, 84 डिग्री, किसका 120 बन रहा देखते हैं। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 120 नहीं बन रहा, ना जोड़ के ना घटा के। यहाँ देखो सारे के सारे बच्चे, इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो 240 बनता है, और 240 120 की तरह साउंड करता है। अबे 240 120 की तरह तो साउंड करता है, यस सर जी, ये दोनों हो गए। और ये दोनों जो बच गए इनको जोड़ के तो 120 नहीं बन रहा, लेकिन इनको घटा के 120 बन रहा है। 132 में से 12 गए सर, 120 120 के पीछे कहानी क्या, ये हम लोग अभी बता देते हैं आप लोगों को, क्यों 120 बनवाते हैं। सॉल्यूशन, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, कॉस 84 और कॉस 156 को, क्योंकि इनका जोड़ 240 बन रहा है, 120 का गुणा बन रहा है, और कॉस 132 और 12 को एक साथ लिख दिया क्योंकि इनको घटा के 120 बन रहा है। चाहे जोड़ के बने घटा के बने कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस ए प्लस कॉस बी से सब परिचित है, लगा दो। 2 cos a plus b by 2, जब 84 में 56 जोड़े, 184 में 56 जोड़े, 184 में 156 जोड़े, 240 आ गए, 2 से भाग किया तो 120 आ गया। cos घटाना भी पड़ेगा, 156 में से 84 गए, सर ये आया 15 में से 8 गए 7, और ये 72, 72 का आधा किया 36। cos a plus cos b, 2 यहाँ आ गया, 2 cos जोड़ा 132 और 144, 72 घटाया 120 का आधा 60। अभी सभी सुनो, 120 इसलिए बनाते थे क्योंकि आधा आया तो 60 आएगा, या 240 का आधा 120 आएगा। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, cos 60 की वैल्यू होती है +1/2। यहाँ कितना बच गया, cos 72, यहाँ कितना बच गया, cos 36। तो 2 से 1 कैंसिल, -1 बचा, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, cos 72 माइनस cos 36 आ गया। cos 72 को बोलते हैं sin 18, sin 18 का मान हो गया √5 -1/4। cos 36 को बोलते हैं sin 54, है ना, और sin 54 का मान हो गया माइनस के √5 -1/4, माइनस ये रहा ना, एलसीएम ले लिया 4 आ गया, √5 -1 आ गया, ये वाला माइनस माइनस अंदर आएगा, माइनस का √5 और माइनस का 1 आ गया, √5 कैंसिल, -2/4 बोलो -1/2, -2/4 बोलो -1/2, लाइक करो सारे के सारे। तो दोबारा सुन लो, कभी भी cos a plus cos b आए हमेशा वो एंगल ढूंढना जो 180 हो, उनका आंसर तो जीरो हो जाता है, cos a plus cos b जीरो, लेकिन 180 बहुत रेयर हो गया, कि बहुत सिंपल है, लड़के देखते ही कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं अब, वो या तो 120 का कोई मल्टीपल बनवाएगा, 240 120, या तो आपको 120 ढूंढना है या उसका 240 या मल्टीपल ढूंढना है। क्यों, 120 ढूंढोगे आधा करोगे 60, cos 60 1/2, इसके 2 को काट देता है, ये सॉल्व हो जाता है। 240 भी ढूंढ लोगे उसका आधा कितना हो गया 120, cos 120 इसको काट देगा, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा। नई चीज सीखे तो लाइक करो। चलो भैया आगे की तरफ चलते हैं। देयर इज समथिंग टू बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, tan x इज इक्वल टू इट्स अल्फा, रुक जाओ, इट्स tan अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1, ये अल्फा प्लस बीटा बताना है आपको। इट्स tan अल्फा m अपॉन m प्लस 1, ये tan बीटा 1 अपॉन 2m प्लस 1, तो आपको अल्फा प्लस बीटा बताना कितना होगा। सिर्फ 20 सेकेंड, कितने क्वेश्चन हो गए, 33, 7 मिनट भी रह गए, 12:40 पे खत्म ही कर देंगे इसको, 12:40 पे खत्म। कॉल आ रहा है भाई, बच्चों का सही आंसर, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात, दिल के लग गई, बहुत बढ़िया बात। देखो सामने सारे बच्चे क्या चीज मेरे भाई, सुनो ध्यान से, m को 1 पुट कर दोगे तो ये आ गया 1/2, m को 1 पुट कर दोगे ये आ गया 1/3,
तो बस टेन अल्फा प्लस बीटा लगाया, एक आ गया, एक कितने पर, 45 पर। तो ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, चले जा रहा है चले जा रहा है। ठीक है, ये बताओ अभी अभी करवाए और सभी का सही आंसर आना चाहिए 90% बच्चों का, ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो। जल्दी माइंड में कैलकुलेशन, दो बार ट्रायंगल बनाएंगे, जल्दी जल्दी। बीसवा क्वेश्चन है ना, तो 6 मिनट में बाकी के 5 कर लेंगे हम लोग, 6 मिनट में बाकी के 5 भी कर लेंगे। जल्दी से दो ट्रायंगल बना के खत्म करो, कॉट इनवर्स 4/√15, फिर कॉस है, फिर टेन है, फिर कॉसेक है। कॉल आ रहा है, देखो सामने सारे बच्चे, जिसने आंसर दे दिया अच्छी बात है। यहाँ देखो भैया कॉट दे रखा है 4/√15, तो कॉट हो गया 4/√15, पाइथागोरस लगाई 15 और 16 41 रूट लगा दिया। अब कॉट को कॉस बनना है, कॉस बनेगा तो 4/√41, तो इसको काट दो और इसकी जगह लिख दो 4/√41। अब 4/√41 एक टेन बनाएगा, तो दोबारा ट्रायंगल बनाओ, ये 4 हो गया, ये √41 हो गया टेन का। पाइथागोरस लगाओ, 41 और 16 कितने हो गए, क्या गड़बड़ हो गया कुछ? कॉट 4/√15 बना, रुको, कॉट बना 4/√15, 4/√15 है ना, ठीक है। पाइथागोरस लगाई 15 और 16, 15 और 16 कितने हो गए मेरे भाई, 31। मैं ही गलत कर रहा हूं ना, मैंने गलत कर दिया था, 41 नहीं आएगा 31, ये आ गया √31। ठीक है भैया, तो ये अब मुझे कॉट पता लग गया, इस कॉट का कॉस चाहिए, कॉस आया जी 4/√31, काट दो और यहाँ लिख दो 4/√31। अब इसका टेन का ट्राइंगल बना लो 4/√31 का, 4√31। पाइथागोरस लगाओ 4 का 16 31, 31 और 16 हो गया √47। और आपको कॉसेक चाहिए, कॉसेक साइन का उल्टा, साइन 4/√47, कॉसेक बोलो √47/4, लाइक करो। ठीक है भैया, अब लास्ट के 5 क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर देते हैं। जल्दी बताओ, एक लाइन के अंदर सिर्फ गिनती गिनूंगा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पोल आ गया, पोल के अंदर भी तो 25 सेकंड बचे हुए हैं। शाबाश भैया, सीकेंट स्क्वायर थीटा को टेंजेंट में खोलते हैं, 1+tan²θ, टेंजेंट 3 दे रखा है, कोसेक स्क्वायर को कॉट में खोलते हैं, 1+cotangent²θ, 25 और 1 26, 9 और 1 10, 26 और 10 बोलो 36। लाइक 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 लाइक, एक लाइन में उड़ाने वाला है। और ये क्वेश्चन एनडीए में ना टेन इनवर्स 3 की जगह एक्स वगैरह करके डेरिवेटिव्स में आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहे भैया जयंत, कुंवर प्रताप, गौरव, गगन, अनुज, सिद्धार्थ, अजमेरा जी, गोकुल पाठक, हर्ष चौधरी, अमन द्विवेदी। आगे की तरफ चलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी एक लाइन में, इसका तो मैं सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, अगर 2π/3, 120 दे रखा है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस इट्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड कितना होगा? गिनती गा रहा हूं, जल्दी से बताओ, 12:40 भी हो रहे, टाइम के अंदर खत्म करना है इस चीज को। बोल दे दो, छप्पन प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया। मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स को लिख लो, π/2 - cos inverse x, π/2 - cos inverse y, π/2 - cos inverse z, π/2 3 बार जोड़े तो 270 हो गए। और माइनस के जो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख रखा, तीनों माइनस के उधर जाके प्लस के हो गए, ये आ गए, तो 120 इधर ले रखा है, 120 को घटा दो, 270 में से 120 गए जी, 150 बचा, 150 होता है 30 × 5 150, π/6 30, 30 × 150, लाइक करो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये बताओ, इससे बहुत फेरबदल होने वाली है और दिल पे हाथ रख के बताना। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन को समाप्त कर रहे हैं आज टेस्ट को। 23 क्वेश्चन हो पाए कोई बात नहीं, 24-25 रह गए। आप 24-25 को होमवर्क में कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 24 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 24 भी, ठीक है। और अगेन 25 भी, 25 इतना नहीं है लेकिन 25 में क्वाड्रेटिक बनेगी, कुछ गलतियां होंगी, तो 25 भी अगेन प्यारा क्वेश्चन है। इन दोनों का आप लोग कर लेना, या इनका सिर्फ मैं पोल ले लेता हूँ, लाइक करो अगर इन दोनों का पोल ले लूं, बस लाइक करो अगर इन दोनों का पोल ले लूं, उनका सॉल्व नहीं करूंगा। तो मैं 25 और 24 को सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसको सॉल्व कर दूंगा। पहले तो इसका आंसर बताओ जल्दी। पोल आ रहा है भैया, पचपन परसेंट लड़के। अरे दिल जीत लिया यार, खतरनाक। देखो तो मैंने cos x plus cos y का फॉर्मूला लिखा, sin x plus sin y का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। ये भी जीरो दे रखा है, ये भी जीरो दे रखा है, दोनों जीरो दे रखे हैं, तो ये दोनों के अंदर आ रहा है, यानी ये जीरो बना रहा होगा, इसको जीरो लिख देते हैं। लेकिन cos में जीरो कितने पर, cos पाई बाय टू पे, तो पाई बाय टू से ये हो गया कंपेयर, 2 से 2 कट गया, x माइनस वाई बराबर आ गया पाई, x माइनस पाई बराबर आ गया, तो यहाँ पे पाई लिख दो, cos 180 माइनस 1, लाइक करो सारे के सारे, ठीक है भैया। तो जल्दी से इन दोनों का पोल दे दो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जल्दी से पोल बताओ इस अच्छे क्वेश्चन का, इस प्यारे से क्वेश्चन का, जल्दी से पोल का आंसर दो, जल्दी बताओ। पोल आ गया, सत्तावन परसेंट लड़कों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। और लास्ट वाले क्वेश्चन को और बता दो, खत्म करते हैं फिर। स्कोर कार्ड की फोटो के लिए फोन ले आता हूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, जल्दी बताओ लास्ट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन है रैंक डिसाइड करने का। जल्दी बताओ, पोल दे दिया। सिर्फ 14% बच्चों ने सही आंसर दिया है, अबे भाई। नौ परसेंट लड़के लास्ट क्वेश्चन नहीं झेल पाए, और लास्ट के बाद अरे क्या बात है, दिल खुश कर दिया। कुंवर प्रताप सिंह, बहुत दिनों बाद आज दर्शन हुए भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़े दिनों बाद। कुंवर प्रताप, जयंत ठाकुर, अनुज कुमार, गगन, सिद्धार्थ, अजमेरा जी, गौरव चौधरी, और गोकुल पाठक, हर्ष चौधरी, चौधरी समयवीर, देखो सामने सारे बच्चे। सुनना भैया जिसकी गलती हुई है, जयंत ठाकुर सुन लो क्या गलती हुई है, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लास्ट में गड़बड़ हुई है। और शाबाश कुंवर प्रताप, बहुत बढ़िया भैया, कमेंट्स ऑन कर दिए, जल्दी सुन लो, खत्म कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बाकी बच्चे जा सकते हैं जिनका हो गया है, ठीक। देखो इधर
आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, सॉल्व करोगे, आपके दो आंसर निकल कर आएंगे 1 और 1/6, आपके दो आंसर निकल कर आएंगे 1 और 1/6, ठीक है। चलो आप अरे क्वाड्रेटिक मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई सोल्व करोगे, आपके दो आंसर निकलेंगे 1 और 1/6। अभी मेरी बात सुनो, सभी बच्चे सुन लो, देखो थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। एक में वन रखोगे तो टेन इनवर्स टू, और उसमें वन रखोगे तो टेन इनवर्स थ्री। सभी बच्चे मेरे को ग्राफ में बताओ, सभी बच्चे यार टू और थ्री और टेन इंक्रीजिंग फंक्शन है, टेन इनवर्स वन होता है 45, वो टू है और फिर वो थ्री है, तो यार टू और थ्री को जोड़कर क्या 45 आएगा? वो तो टू तो खुद अकेला है 45 से ज्यादा है, और ये भी 45 से ज्यादा है। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर कभी भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई देखे फॉर्मूले में और एक्स और वाई की गुणा एक से ज्यादा आ रही हो, तो आप लगाओगे फॉर्मूला पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। इस वाले का आंसर 3π/4 आएगा, π/4 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, चौधरी मलंग जाट का बर्थडे, भैया इनको बर्थडे विश कर दो, जितने भी लोग जाग रहे हो अभी, हैप्पी बर्थडे चौधरी मलंग जाट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 60,000। हाँ जयंत ठाकुर, सिली मिस्टेक हो गई तो ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा फॉर्मूला, पाई प्लस लगाना पड़ता है कब, जब आपका एक्स और वाई की गुणा एक से ज्यादा आ रही है। तो अगर एक्स को एक रख दोगे, वाई को एक रख दोगे, तो 3 × 2 = 6, 6 तो एक से ज्यादा आ गया, तो आपको पाई प्लस लगा के सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, और आपका -π/4 निकल कर आता वहां पे, ठीक है, -π/4 निकलता, पाई -π/4 आता 3π/4 आंसर। और सीधी सी बात है, जब इसमें इसको जोड़ोगे 5/4 से ज्यादा ही आएगा, और दो बार इसको जोड़ोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। चलो ठीक है भाई, आज की क्लास को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं मॉक के अंदर, मॉर्निंग 9 बजे वाले बैच के लड़के एयरफोर्स में, क्लास को समाप्त करते हैं। और जय अयोध्या, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो जल्दी जल्दी से पीडीएफ में ग्रुप में डाल देता हूँ। कांग्रेचुलेशन कुंवर प्रताप सिंह, बहुत बढ़िया भैया, बड़े दिनों बाद मेहनत का फल मिल गया, ठीक है। चलो परेशान नहीं होना है, हर किसी का नंबर आएगा, बस यही है कि आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, ठीक है। शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, खत्म करते हैं भैया इसको आज, ठीक है। अखिल बहुत कम नंबर आ रहे हैं बेटे, 39 नंबर आ रहे हैं, आपकी बार मिले कहीं से पकड़ लूंगा, कहीं भी मिले पकड़ लूंगा गर्दन। चलो भैया ठीक है सिद्धार्थ, चलो बहुत बढ़िया करो, ध्यान रखो, कल सिद्धार्थ का बर्थडे, अरे क्या बात है, सिद्धार्थ के बर्थडे के लिए चलो मैं यहाँ पे मैसेज में लगाऊंगा ऊपर पिन करके, हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ कल की क्लास में। लव यू सौरभ, 21 साहिल 21 रैंक, रुक जाओ अभी बता रहा हूँ। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते जैन, ध्यान रखना एक क्वेश्चन में लास्ट वाले में गलती हो गई है, 9 रैंक का ये। लव यू लव यू लव यू। रंजीत सुधरेगा, बैच ले लो, जिस जिसके बहुत कम रैंक आ रही है, अगर आप लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हो डेडिकेटेड एग्जाम को लेकर, जितने भी लड़के इन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पेपर फोड़ रखा है, नए लड़के हैं तो अगर चाहें तो बैच ले सकते हैं एयरफोर्स का अनअकैडमी प्लस पर, 9821317662 पे व्हाट्सएप कर दें, परेशान ना हो, समय दें अपने आप को, सब चीज सही हो जाएगी, समय दें। स्पेशली बर्थडे मॉक फॉर सिद्ध, अरे सिद्धार्थ सही में बर्थडे तो बताओ, मैं अपने मॉक का डिस्क्रिप्टिव भी चेंज कर देता हूँ जो डिस्क्रिप्शन होता है। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए, और सभी को बहुत बहुत प्यार, इसी तरीके से बनाए रखिए अपना परिवार, ठीक है, आभार आभार आभार। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।